मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अब संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन 648 संविदा कर्मचारियों की बहाली का ऐलान कर दिया है, जिन्हें कुछ दिन पहले निष्कासित कर दिया गया था। ये सभी कर्मचारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ संविदा कर्मी हैं। आपको बता दें कि निष्कासन के बाद इन कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर धरने, प्रदर्शन और आंदोलन भी किए, जिसके बाद कांग्रेस ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सत्ता में आने के बाद वो उन्हें वापस बहाल करेंगे। हालांकि पूरा साल बीतने के बाद अब तक कमलनाथ सरकार ने इस वादे पर अमल नहीं किया है, पर अब जब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं तो कमलनाथ सरकार ने हर वर्ग को पटाकर रखने की कवायद तेज कर दी है। तो सरकार ने एक बार फिर संविदा कर्मियों को वादा किया है कि वो जल्द ही उनका निष्कासन खत्म करेगी। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslifeMP.com।